बोकारो जिले के चास नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी घटक 3 के तहत कुल 205 लोगों को 3,11,000 में आवास आवंटित किया गया। इस योजना के तहत जिन लोगों का आवास आवंटित किया गया है उनको एक साल के अंदर बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत काला पत्थर में बन रहे इस आवास में गृह प्रवेश करा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में नजारत उप समाहर्ता विवेक सुमन उपस्थित रहे। यहां पर मीडिया से बात करते हुए चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने कहा कि यह योजना वैसे लोगों के लिए है जिनका नगर निगम अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहते हों और उनका कोई अपना नहीं है। इस योजना को लेकर कुल 900 लोगों ने आवेदन दिया था, इसमें से लॉटरी के माध्यम से आज 205 लोगों को आवंटन पत्र दिया गया है। 205 लोगों में से कुछ लोग सीनियर सिटीजन हैं और कुछ लोग दिव्यांग हैं। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग जो थे उनको प्राथमिकता देते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आवास आवंटित किया गया। आपको बता दें कि योजना के तहत लाभ ले रहे लाभुक काफ़ी उत्साहित दिखे और सरकार के प्रति खुशी जाहिर की। लाभुकों का कहना था कि अपने घर का सपना अब साकार होता दिख रहा है। इनमें से कई ऐसे लाभुक भी थे जिन्होंने कहा कि अपना घर होने के जहन में कभी नहीं था, लेकिन यह सपना साकार होते खुली आंखों से देख रहे हैं। कहाँ रहती हैं आप? प्रभात कलोनी। ये बताइए, आज आवास आपको जो मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे? बहुत खुशी है सर, हम लोग को घर नहीं था और इसके तहत अपना घर मिल रहा, अपना घर, इस वजह से बहुत खुशी है। सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद इसलिए कि अपना घर कहलाने का अधिकार मिल रहा है। हम लोग घर का सपना पूरा हो रहा है, घर का सपना पूरा हो रहा है। ऐसे क्या करते हैं हस्बैंड? क्या बोरवेल लॉटरी के लिए, लॉटरी के लिए अगला नाम हम लोग हैंडीकैप का भी हम लोग का बचाओ। मैं ग्राउंड फ्लोर 8 नंबर, इनके लिए जोरदार ताली। पैसे पकड़िए मैडम, इतना खुशी महसूस कर रहे हैं जब आपको, ये एक दिव्यांग है और ये बोकारो नगरी में आई है और आपको सरकार के द्वारा और इनको आवास आवंटन कर दिया गया पैसा देकर, इनसे थोड़ा इनके लिए जोरदार ताली पूछना चाहेंगे। इनसे कैसा लग रहा है? बहुत खुश है और शायद इस महंगाई के दौर में खुद कमा के शायद आवास नहीं बना पाते, कहाँ रहते हैं, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। पता चला आपको? एक अपना बोलने का घर हो गया अपना, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। पहले पहले क्या घर नहीं थी? नहीं, अपना घर नहीं। कहाँ रहते थे? प्रभात सोनी देवी शंकर कुमार, फिजिकली हैंडीकैप्ड सोनी देवी शंकर कुमार। देना पड़ा सरकार को अभी तो 5,000 दिए हैं, 20,000 और देना है और बाकी देखेंगे बैंक से लोन हो जाएगा तो। वैसे 3,11,000 में पूरा टोटल 3,11,000 रुपया पड़ेगा। 3,11,000 में आपको अपना घर हो जाएगा जी। खुश हैं? बहुत खुश हैं। इनको आवंटन किया गया है 20, इनको आवंटन किया जाता है B10 में 3rd floor 32 नंबर। जोरदार ताली मिला है नीलम सिंह के लिए, जोरदार ताली। तक पहुंची है, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहेंगे? अगर मैं इसे अपने शब्दों में बयां करूं तो सोनी देवी, बहुत खुशी हो रही है मुझे सोनी देवी, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि राजेंद्र प्रसाद हम लोगों के तक सोनी बड़ी देवी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता आगे बढ़िए, लेकिन ये आज हकीकत हो गया। सोनी देवी आज मुझे ये मिल चुका है तो मैं बहुत यहाँ की नगर पालिका की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और देश के प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ बहुत आभारी महसूस करता हूँ। आप शरीर से अपंग भी हैं जी, आपका क्या लगता है कि सरकार आपकी बात? इनको आवंटन किया जाता है B10 में 3rd floor 27 नंबर, तो उसे काफी है जरूरत थी जो जरूरत पूरी हो गई जी। जरूरत तो थी और जरूरत मुझे मीना देवी, मीना देवी और ये लाभ जो है हरे राम सिंह, मीना देवी आगे हरे राम सिंह तो काफी अच्छी बात होगी। मीना देवी हरे राम सिंह काफी उत्साहित मौजूद हैं, क्योंकि उत्साह के चलते आपकी आंखें भर आई जी। मीना देवी हैं, अनिल कुमार विश्वकर्मा। शहरी का जो है लोगों को आज आवंटित किया जा रहा है घर, ये क्या है योजना और कितना लोगों को इससे फायदा मिला? ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का एक इम्पोर्टेंट घटक होता है Vertical 3। इसमें वैसे लोगों को आवास हम लोग उपलब्ध कराते हैं जिनका कोई घर नहीं है, पक्का घर नहीं है और ज़मीन भी नहीं है। वैसे लोगों को हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसमें अलॉट करते हैं
आज का ये कार्यक्रम उसी तरह का है और करीब 200 लोगों ने आवेदन जो दिया था और ये 200 लोगों का आज हम लोग लॉटरी के माध्यम से आप लोगों के सामने जैसा देख रहे हैं हम लोग आवास आवंटन कर रहे हैं। इसमें कुछ बुजुर्ग सीनियर सिटीजन और पीएच विकलांग कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों को सरकार ने प्राथमिकता दी है और प्राथमिकता के आधार पर लोग ग्राउंड फ्लोर पर हम अलॉट कर रहे हैं और बाकी लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉटरी के माध्यम से जिसको जहाँ भी निकल रहा है हम लोग उसको अलॉट कर रहे हैं और अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं। घर का काम हुआ तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद है कि हम लोग इस साल में उन लोगों को अपने खुशियों का से आने में भेजने में हम लोग सफल होंगे। सर कुल कितने मकान आप लोग बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं और कितना पैसा लगेगा? ये काला पत्थर में बन रहा है, काला पत्थर जस्ट चासिल थाना के बगल में ही है और इसमें 640 फ्लैट बन रहे हैं, 32 टावर हैं, ये 20 टावर हैं, हर एक टावर में 20 फ्लैट हैं। इस प्रकार कुल 640 अपार्टमेंट होगा और ये लगभग 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इसका बजट है और ये जुटों के माध्यम से बनाया जा रहा है और हम लोगों देख रेख में लाभों को चयन करके और हम लोग लोगों को आवास आवंटित कर रहे हैं। कितने दिनों में लाभुकों को मिल जाएगा? आइए इस साल के लास्ट तक सारे लाभुकों को हम लोग उनको अपने नए ठिकाने पर आवासित कर देंगे और वो कम्प्लेक्स बनेगा, कम्प्लेक्स बन भी रहा है, आप लोग भी एक बार जाके देख सकते हैं और उसका लैंड स्केपिंग होगा, बच्चों को खेलने के लिए मैदान का भी प्रावधान है और बनने पर काफ़ी खूबसूरत लगेगा। सर कितना पैसा देना? थोड़ा दूर से ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया भी यात्रा पीछे की जिम्मेदारी। ये बताइए आज आपको जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आवंटित हुआ है, आप एक सीनियर सिटीजन है, कैसा लग रहा है आपको, कितनी खुशी हो रही है? हाँ बहुत खुशी हो रही है कि भाई चलिए वो मकान मिल रहा है। क्या कहेंगे? कहेंगे कि सरकार से वो मकान रहने के लिए मिल गया कम से कम, हम लोग भाड़ा बढ़ा रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? रामनगर करौनी में भाड़ा पर। भाड़ा पर अब मकान मिलने से कितना खुशी है? हाँ बहुत खुशी है, कम से कम तालियां बजाइए। गरीब आदमी को भाड़ा देना भी दिक्कत। देवी जी कृपया आप आएंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सीनियर सिटीजन है तारा देवी और भोला प्रसाद,